भी दोस्तों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम लोग इस समय सभी दोस्तों को अनुसर का प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर केबीएस के जो पेपर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के प्रीवियस ईयर यानी केंद्रीय विद्यालय प्रीवियस ईयर के जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए, इसलिए आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल स्क्रीन पर क्लियर हो चुका होगा कि ये पेपर वही है जो आया हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल। आप जानते हैं कि जो ये आपका PHVB होता है वो आपका एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में PHVB का आप मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि OCH2CH2, ये वाला एग्जाम्पल जो है वो PHVB का एग्जाम्पल माना जाता है, और यही जो होता है वो एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में आता है। ये नाइलॉन नाइलॉन 6-6 बायोडिग्रेडेबल में नहीं आता। अगर नाइलॉन 6-10 हो, 2-2 से और 6 होता तब हम एक बार को मान भी लेते, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं। तो आंसर नंबर 3 इसमें जिसने भी लगाया वो करेक्ट आंसर लगा हुआ है। इन तो आपको हिंदी में भी ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर इंग्लिश में भी मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका कह रहा है वो ये है कि इन जेलडाल मेथड ऑफ द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन द नाइट्रोजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। कौन सा नाइट्रोजन एस्टिमेट नहीं हो सकता है? तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो नाइट्रोजन बिल्कुल यानी कि रिंग में इन्वॉल्व है वही एस्टीमेट नहीं हो सकता। मतलब पायरेडीन का नाइट्रोजन एस्टीमेट नहीं हो सकता। बाकी सभी नाइट्रोजन आपको दिख रहे होंगे वो इजीली जो है वो सेपरेट किए जा सकते हैं। तो इसी ही नाइट्रोजन एस्टीमेट नहीं होगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक कर लीजिए और सही से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी सीरीज में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन कैन बी सिंथेसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन कैन बी सिंथेसाइज बाय द गैब्रियल सिंथेसिस। तो गैब्रियल के थ्रू ये सिंथेसाइज नहीं हो सकती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता तो ये भी सिंथेसाइज नहीं होगी, ये सिंथेसाइज नहीं हो सकती। प्राइमरी एमीन सिंथेसाइज होती है, 1 डिग्री की एमीन सिंथेसाइज होती है। तो आंसर नंबर 2 यहाँ पर भी सही जाना चाहिए। ये जो क्वेश्चन जितने भी है, जितने भी मैंने कलेक्ट किए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के धमाकेदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो KBS में आए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको लगाना जरूर चाहिए। और इन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन के साथ मैं ये वीडियो अपनी ऐप पर अपलोड कर दूंगा। तो मेरे ऐप पर जितने भी 500 लोग पढ़ रहे हैं वो सभी 2 बैचेस चल रहे हैं। उन 2 बैचेस में अगर टोटल करता हूँ तो ये सभी स्टूडेंट इस ऐप के थ्रू इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इथाइलिन ग्लाइकॉल इज द मोनोमर। भाई इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड एडिपिक एसिड दोनों में होता है, तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन लगाया, फिर भी हम ऑप्शन सभी देखेंगे। जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन को हम चेक करेंगे कहाँ पर। देखो यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकॉल होगा और ये आपका हो गया, ये तो टेरिथैलिक एसिड भी नहीं है, और क्या कहते हैं आपके थैलिक एसिड भी नहीं है। यहाँ पर होता तो मेटाथैलिक एसिड, मेटा पोजीशन पे लगा, यहाँ लगा होता तो ये आपका थैलिक एसिड बन जाता, और यहाँ लगा होता टेरिथैलिक एसिड बन जाता, दोनों चीजें नहीं है। चलिए तो यहाँ पर भी इथाइलिन ग्लाइकॉल नहीं है, यहाँ तो ऑप्शन तो फिलहाल इथाइलिन ग्लाइकॉल मोनोमर तो यहीं पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यही CH2CH2OH का हिस्सा इसमें लगा हुआ है, वही इसमें इथाइलिन, क्योंकि यहाँ पर O गायब है। इसका मतलब है एक OH उसका निकला होगा और H निकला होगा, तो ये इतना इथाइलिन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल सेपरेट रहा होगा, अगर आप जान रहे हैं तो। वैसे भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर ये कंपाउंड मान लीजिए CH2OH रहा होता, ये कंपाउंड CH2CH2OH रहा होता, इधर भी OH रहा होता, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन पॉसिबल है कि यहाँ पर इस तरीके से वाटर आप निकाल सकते हैं, तो ये वाली कंडीशन ही आएगी। तो सिंपल सी बात हुई कि हमारा ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसी सीरीज में हम लोग क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं, बेस्ट क्वेश्चन दूंगा, पूरी बुकलेट आप तक पहुंचाऊंगा जो मैंने कलेक्शन की है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स कैन नॉट बी विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द मोनोमर। इस मोनोमर को यूज करके आपको पता होना चाहिए नाइलॉन 6 बनता है। ये अगर ब्रेक कर देते हैं, यहीं से ब्रेक कर दीजिए, तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 कार्बन का कंपाउंड है जिसको हम लोग नाइलॉन 6 के नाम से जानते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
चलिए इसके बाद हम लगा लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मैं ज्यादा दिमाग लगाऊंगा थोड़ा सा। ये जो कंपाउंड, चलिए यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा ये कंपाउंड अगर मुझे दिखता है तो मुझे ऐसे दिखता है, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है, यहाँ पर आपका सी एस थ्री जुड़ जाएगा और यहाँ पर ओ एम जी एक्स जुड़ जाएगा, जिसके हाइड्रोलिसिस पर आपका 3 डिग्री का एल्कोहल बनेगा। यानी कहने का तात्पर्य है यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा, ए वाला जो होगा वो ये ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर मैं ए कंपाउंड जो है वो इस कैटेगरी का बना देता हूँ जो बना हुआ है, यानी सी एस थ्री और यहाँ पर ओ एच। अब आपने क्या करना है, H2SO4 हीट कर देना, तो आपको पता है एल्कीन बन जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनना चाहिए, यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ तो सी एस थ्री रह जाएगा, अब ये आपका कार्बन हो गया, ये आपका अल्फा हो गया है ना, ये आपका अल्फा हो गया, ये बीटा पोजीशन हो गई। तो मीन्स या तो ये बीटा ये बीटा दोनों में से कहीं से निकाल दी, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड ले आता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 यानी कि सी एच बचा होगा, अगर आपको ध्यान है तो ये कंडीशन हमारे पास में रह गई होगी। अब इसका मैं BH3 से वही 3 बार रिएक्शन कराऊंगा तो इसका होल थ्राइस बन जाएगा, और फिर इसका H2O2 से, तो यानी कि यहीं पर हमारा CH2OH प्रोपेन वन ऑल बन जाता है। तो यहीं पर हमारा, आपको पता होना चाहिए इसका ऑक्सीडेशन पर हमारा कंपाउंड जो बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, यहाँ पर जो बनता है बी पार्ट, जो बी पार्ट मेरे हिसाब से बनना चाहिए वो ये, यहाँ पर CH3 आ जाना चाहिए और यहाँ पर आपका यही CH2 और वो चाहिए कार्बन अंदर वाला ही, ये बाहर वाला कार्बन नहीं है। अगर इसको ऑक्सीडाइज करते हैं CrO3 Py से, तो ये 1 डिग्री का है, तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि 1 डिग्री का है तो या तो यहीं पर तो CH3 रहेगा, यहाँ पर या तो CH C डबल बॉन्ड O आ जाए, भाई C डबल बॉन्ड O आ जाए 1 2 3, ये एल्डिहाइड 1 2 3, ये चारों बॉन्ड पूरे हो गए यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एल्डिहाइड यहाँ पॉसिबल है नहीं, तो मीन्स और कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो अगर मैं CrO3 के थ्रू इसको ऑक्सीडाइज करता हूँ, जो हमारा जोन्स रिएजेंट भी कहलाता है, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आना चाहिए वो ऑप्शन ये पहला वाला आना चाहिए, ये ऑप्शन आना चाहिए। फिलहाल आप लोग भी चेक करिएगा, और कोई ऑप्शन की मुझे संभावना यहाँ इसलिए नहीं दिखाई देती है कि CH3 को ऑक्सीडाइज करने के लिए पॉसिबल नहीं कि CrO3 उसको ऑक्सीडाइज कर पाए, तो इसलिए ऑप्शन बेस्ट यही होना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन बन सकता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कौन सा एमीन सबसे वीकेस्ट बेस है। तो कौन सा वीकेस्ट बेस होगा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व हो जा रहा है डीलोकलाइजेशन में, अवेलेबल ही नहीं है, और जब अवेलेबल ही नहीं है तो मतलब बेसिक करेक्टर उसका खत्म हो गया, समझ लीजिए है ही नहीं बेसिक करेक्टर। यहाँ तो इन्वॉल्व बाद में हो रहा है, यहाँ तो है ही नहीं, अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो सबसे वीकेस्ट बेस मुझे यही लग रहा है, आंसर बताइएगा। ठीक है ना, इसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये मैंने ऑर्गेनिक के ही उठाए जो पहले भी मैंने 2-4 पेपर में सेट किए थे, ये क्वेश्चन नंबर 105 था, पुराना पेपर है। तो कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पर रिएजेंट आर क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ CrO3 जोन्स रिएजेंट होता है, लेकिन पायरेडिनियम क्लोरोक्रोमेट भी एक बेस्ट रिएजेंट माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको पायरेडीन क्लोरोक्रोमेट दिखेगा, अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो एक बार को हम CrO3 यूज़ करते, तो एल्कोहल को अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो फिर हमारे लिए यही ऑप्शन बनेगा। जबकि यहाँ पर ये सब जितने भी हैं वो हमारा इसमें COOH में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं। पायरेडिनियम क्लोरोक्रोमेट को PCC को हम लोग यूज करते हैं R की जगह पर, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जनाब। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी संरचना 2 एनोमरी कार्बन का बंध बनाती है। देखिए एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स यानी कि कार्बन नंबर 1 अगर दिया हुआ या कार्बन नंबर कोई भी दिया, उस कार्बन पर दो अगर एक एच ऊपर की तरफ है तो दूसरे वाले कार्बन पर, दूसरे वाले कार्बन में एच जो होना चाहिए वो नीचे की तरफ होना चाहिए और OH ऊपर की तरफ। तो ये कंडीशन हमें केवल आपको जो दिखाई दे रही है एनोमेरिक में, देखिए यहाँ पर दोनों आबंध तो यहीं यहीं चल रहा है, यहीं पर चल रहा है, यहीं चल रहा है, तो यहाँ पर आपको दिखना चाहिए ये वाली कंडीशन, यहाँ अपोजिट जा रही क्योंकि OH यही रहा होगा ना। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि कौन सी संरचना में 2 एनोमरी कार्बन का बंध दर्शा रही है, तो 2 एनोमरी कार्बन यहीं जुड़ रहे हैं, बाकी कहीं पर एनोमर में नहीं जुड़ रहे हैं। इसीलिए मेरा ऑप्शन जो जाना चाहिए, मुझे जो एग्जैक्ट ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है, जबकि 2 लगाया गया है, यहाँ पर 3 आंसर आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धुआंधाड़ वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए, मेरे हिसाब से जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन के पास आप पहुँचेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें बेसिक करेक्टर, तो मैं आपको बताऊँगा कि जो हमारा मेटा वाला, इसकी जो PKa वैल्यू है, PKa वैल्यू वो लगभग 9.5
9.52 या 50 के आसपास होती है, इस वाले की जो होती है वो 9.70 की होती है, इसकी 10 होती है। तो मैं आपसे ये कहूँगा जिसकी मोर इज़ द पीकेए वैल्यू, मोर मोर पीकेए वैल्यू होती है और लेस एसिडिक करेक्टर होता है, तो लेस एसिडिक ये हो गया। उसके बाद ये तो सबसे ज़्यादा रिसोर्सिनॉल हो गया, रिसोर्सिनॉल सबसे ज़्यादा हो गया ये वाला रिसोर्सिनॉल, उसके बाद हाइड्रोक्विनोन हो गया, फिर आपका कैटीचॉल हो गया। तो फिर आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा ऑप्शन नंबर यही सही जाना चाहिए। यहाँ पर मैंने लग रहा है कि हाइड्रोक्विनोन कैटीचॉल रिसोर्सिनॉल पहले किसी ने लगवाया होगा, लेकिन मुझे फिर यही ऑप्शन है कि मोर इज़ द के वैल्यू मोर इज द एसिडिक, और पीके वैल्यू जिसकी लेस होती है वो मोर एसिडिक होता है। तो पीके वैल्यू लेस किसकी, इसी की लेस है। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विच मॉलिक्यूल डज नॉट हैव द कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ द इक्वल। भाई देखिए, जहां पर एरोमेटाइजेशन होता है वहीं पर सब बॉन्ड इक्वल हो जाते हैं, ये सब इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये सब इक्वल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एरोमेटिक करेक्टर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, यहाँ पर कंडीशन पॉसिबल है, ये पाई बॉन्ड है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि आंसर जो कह रहा है इन विच मॉलिक्यूल डज नॉट हैव द कार्बन कार्बन इक्वल बॉन्ड लेंथ, कहां पर नहीं है, तो फिर मुझे जो ऑप्शन लगना चाहिए, मुझे जो ऑप्शन होना चाहिए यहां पर, वो ये लगना चाहिए कि ऑप्शन एक ही, एक तो हमारे पास ये आपका दिखाई दे रहा है, इसका नाम नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन के केस में भी पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ऑप्शन लगाया गया क्योंकि यहाँ पर इक्वेलेंट ये बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी लग रहा है, सब जगह लग रहा है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इसको आंसर को सटीक बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये इन सभी में बॉन्ड लेंथ इक्वल होगी, जबकि नेफ्थलीन का केस ऐसा बताया गया है। जब मैंने नेफ्थलीन पढ़ाया था आपको, तो मुझे याद है अच्छे से कि नेफ्थलीन के केस में यहाँ पर ये बॉन्ड इक्वल नहीं आएंगे। यानी कि अगर मैं आपको बता दूं कि कार्बन नंबर, अगर यहाँ पर मैं आपको याद हो कि नंबरिंग करना चाहूँ, तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आपका 5, यहाँ पर आपका 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर आपका 9, 10 पोजीशन हो जाती है, ये 9, 10 पोजीशन हो जाती है। तो अगर आप ऐसे पोजीशन देना चाहो तो पॉसिबिलिटी है 5, अगर 5, 6, 7, 8, 9, 10 वैसे भी देना चाहो पोजीशन, तो दोनों नंबरिंग देते हैं। यानी कि अगर आप ये पोजीशन भी दी जाती है, और दूसरी पोजीशन का तरीका आपको बताता हूँ, ये भी होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर अब आप 9 ले लो, यहाँ 10। इन पोजीशंस को अगर आप दूसरा नाम देना चाहते हैं, तो ये अल्फा पोजीशन होती है, ये वाली भी अल्फा होती है, ये पोजीशन बीटा होती है, बीटा पोजीशन होती है, यहाँ पर अल्फा डैश मान लीजिए, यहाँ पर भी अल्फा डैश मान लीजिए, ये बीटा मान लीजिए डैश, ये बीटा डैश, ऐसे करके भी। तो इनमें भी ये माना जा रहा है कि कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, वो आपको बताना चाहूंगा, कार्बन 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 1 और कार्बन 2 इनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो लगभग 136 पिकोमीटर के आसपास होती है, और कार्बन नंबर C2 C3 की जो बॉन्ड लेंथ होती है 140 पिकोमीटर के आसपास होती है। तो इनकी बॉन्ड लेंथ डिफर कर रही है थोड़ी सी, तो मुझे ऑप्शन फिर यही लग रहा है ऑप्शन। हालांकि इससे पहले मुझे थोड़ा सा डाउट रहा, तो यहाँ पर नेगेटिव मुझे दिख गया था किसी कारण, मैंने नेगेटिव बना दिया था, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी, वहाँ अगर यहाँ नेगेटिव होता तो वहाँ पर भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि बॉन्ड 4 आ जाते। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा इस पे, इससे पहले वाली वीडियोस में मुझसे शायद मिस्टेक हुई, मैंने उसमें आंसर ये वाला टिक कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सभी बहुत अच्छा कलेक्शन है आपके लिए, और ये कलेक्शन आपको दमदारी के साथ रिप्रेजेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो विसिनल डाइहैलाइड्स रिएक्ट विद द मेटल M टू यील्ड एल्कीन। अगर विसिनल डाइहैलाइड रिएक्शन करते हैं मेटल से, तो क्या बनाते हैं, ये आपने बना दिया। यानी कि विसिनल डाइहैलाइड रिएक्ट विद मेटल M टू यील्ड एल्कीन, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से फिर मेटल क्या आना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन शायद कट गया है प्रिंट लेते समय। तो फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ पर मेटल जिंक आना चाहिए, वही कंडीशन है। अगर ऑप्शन होता तो ऑप्शन में यहाँ पर मैग्नीशियम होगा, जिंक होगा, तो आप जिंक ऑप्शन डालिएगा, जिंक ही ऑप्शन उसमें एक्यूरेट आ जाएगा, एक्यूरेट आएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको बताने की कोशिश करूंगा, इसके बाद बताने की कोशिश करूंगा कि द एंजाइम यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज टू इथेनॉल। तो ये आपको पता होना चाहिए, जाइमेज एंजाइम जो होता है इसमें काम करता है, ग्लूकोज से आपको एथेनॉल बनाना है, उससे पहले इन्वर्टेज काम करता है, इन्वर्टेज यानी कि पहले सुक्रोज से ग्लूकोज बनाना है, तो इन्वर्टेज डाल दीजिए, फिर जाइमेज का काम हो जाता है, तो दोनों चीजें ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एक यौगिक माने ये अ कंपाउंड एक्स इज ए पोटेंट है ना वैसोडाइलेटर, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेजल कंजेशन एसोसिएटेड विद द कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पोलन, है ना। एक्स वुड बी, यानी कि क्या कह रहा है, एक्स कंपाउंड इज ए पोटेंट वैसोडाइलेटर, इट इज
ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेजल कंजेशन एसोसिएटेड विद द कॉमन कोल्ड एंड एलर्जिक रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पर आपको पता नहीं, ये दवाई जो होती है वो हिस्टामिन, ऐसी दवाइयाँ हिस्टामिन होती है जो हमारी एलर्जिक रिएक्शंस को जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो हिस्टामिन ही होता है। इसके लिए हम लोग को एंटी हिस्टामिन चाहिए होता है, ठीक है, दवाई एंटी हिस्टामिन लेनी पड़ती है। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और भी हमारे सामने है, स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इन द गिवन रिएक्शन, अब ये रिएक्शन दे रखी है, जिंक मरकरी ऐसी है, पता है क्लीमेंसन्स रिएजेंट आपको दे कर रखा है, तो क्लीमेंसन का काम होता है इसको CH2 में कन्वर्ट कर देना, तो सिंपल सा एसीबेटिक कर लीजिए, बाकी छेड़ा छाड़ी कहीं ना करिएगा, है ना। तो एक चीज आपको और बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लास्ट क्वेश्चन पर ले आया हूँ, और लास्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अगर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलेशन वुड नॉट प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट, इन जो बनाया गया इसमें कौन सा फ्रीडल क्राफ्ट नहीं हो सकता है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट तो होगा, पॉसिबल है, दूसरा भी होगा, ये भी पॉसिबल है, तीसरा भी होगा, ये इस पॉसिबल है, लेकिन चौथे में क्या हो जाएगा आपको बता देना चाहूंगा। चौथे के अंदर ये जो कार्बोकैटायन बनेगा CH3 CH2 CH2 पे पॉजिटिव हो जाता है, और इसको रीअरेंज करोगे तो यहाँ पर ये कंडीशन आनी चाहिए, यानी कि 2 डिग्री का ये जुड़ना चाहिए यहाँ पर, तो यही वाली रिएक्शन फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने फटाक से डाल दिए, इनको देखिए समझिए, और मेरे हिसाब से आप जल्दी से इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के हैं। मैं आपको लग रहा हो कि मैंने जहां से भी ये स्कैन करवाए हैं वो स्कैन नंबर ही बता रहा होगा, क्वेश्चन का लेवल भी बता रहा होगा, ये केंद्रीय विद्यालय के। ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके उन्हें परचेज कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि 999 वाले अगर परचेज करेंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, अगर मैटर आपके सामने वही सिंपल सा मेथड डाल मैटर डाल के आपको कहा जाए तो पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन हाँ अगर आप बेस्ट क्वालिटी चाहते हैं तो फिर हमारे ऐप पर जुड़िए, और हमारा मोबाइल नंबर लगातार फ्लक्चुएट होता रहता है वो आप नोट कर लीजिए और हमसे आप बात करिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ है, इसको नोट करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारा मैटर, बहुत सारी क्वालिटी मेंटेन करते हुए हम लगातार आपके साथ जुड़े रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करे अपने PGT TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।